एक अहम सवाल, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है लेकिन मेरे पासपोर्ट पर जो यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है वो अभी भी वैलिड है, तो क्या मुझे दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? इसका जो जवाब है, याद रखिए, आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा यूएसए विजिट वीज़ा से मुतलिक, क्योंकि यूएसए ये कहता है कि अगर एप्लीकेंट का जिसके पासपोर्ट पर यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है और उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है लेकिन यूएसए विजिट वीज़ा अभी भी वैलिड है, तो उसने करना क्या होगा, अपने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा यानी कि रिन्यू करवाएगा। जब उसका पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा, अपना नया पासपोर्ट और उसके साथ जो उसका पुराना पासपोर्ट जिस पे यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है और वो अभी वैलिड है, दोनों पासपोर्ट को अपने साथ कैरी करके वो यूएसए के लिए ट्रैवल कर सकता है। तो इसलिए जो यूएसए जो वीज़ा देता है, विजिट वीज़ा इशू करता है, उसकी जो वैलिडिटी होती है उसकी, वो अगर वैलिड है और पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, नया पासपोर्ट और उसके साथ जो अपना पुराना पासपोर्ट अपने साथ लेके जाएंगे, पुराने पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है और वो वैलिड है, तो आप यूएसए ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप यूएसए विजिट वीज़ा से मुतलिक फ्री की कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं या कनाडा के विजिट वीज़ा से मुतलिक फ्री की कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस तशरीफ ला सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मेरा ऑफिस मंसूरा में, अल मंसूरा में है। मेरी कंपनी का जो व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर है 7732331। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मालूम से मुस्तफीद हो सकें।